हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बेसन मठरी बनाएंगे। मठरी बनाने के लिए सबसे पहले हम 1.5 कप मैदा लेंगे। अब इसमें स्वादानुसार नमक और 4 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। अब इन सबको मिला लेंगे। देखिए अच्छे से मिल गया है। अब इस पे पानी डालेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको गूंथ लेंगे। हमें इसे ज्यादा टाइट नहीं गूंथना है, हल्का सॉफ्ट ही गूंथेंगे। अब हम बेसन की फिलिंग बनाएंगे। इसके लिए एक बाउल में 1 कप बेसन लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सौंफ पाउडर, चुटकी भर हींग, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जीरा, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच काला नमक, 4 चम्मच तेल डालेंगे। अब सभी को अच्छे से मिला लेंगे। इसको गूंथने के लिए हम पानी से ज्यादा तेल का यूज करेंगे। पहले अब इसको मिला लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा तेल डालकर इसको गूंथ लेंगे। देखिए अभी भी गूंथ नहीं रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और फिर से गूंथेंगे। देखिए हमने इसमें काफी तेल डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, लेकिन पानी डालने से पहले हम इसके सारे डेले फोड़ लेंगे। हमें इसमें बिल्कुल भी डेले नहीं रखने हैं। देखिए ये अच्छे से मिल गया है। अब इसमें हल्का सा पानी डालेंगे और गूंथ लेंगे।
बेसन को कूदते टाइम बेसन हाथों में काफी चिपकता है, तो आप बेसन को चाकू की मदद से निकाल कर उसको दोबारा गूंथ सकते हैं। देखिए बेसन की फिलिंग बनकर तैयार है। अब हम मठरी बनाएंगे। उसके लिए हम मैदे का डो लेंगे और उसको इस तरीके से हल्के हाथों से थोड़ा गूंथ लेंगे। अब इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। कोशिश करिएगा सारी लोई की साइज एक जैसे ही हो। अब हम बेसन वाला डो लेंगे और उसको भी हल्के हाथों से गूंथ लेंगे। अब हम इसकी भी लोई तोड़ लेंगे। मैं इसकी लोई मैदे की लोई से थोड़ी छोटी तोड़नी है। दोनों की लोई बनकर तैयार है। मैदे की लोई थोड़ी बड़ी है और बेसन की लोई थोड़ी छोटी है। अब हम इनकी मठरियां बना लेंगे। अब हम एक मैदे की लोई लेंगे और उसको बेल लेंगे। अब हम बेसन की लोई को इसके ऊपर रखकर उसको चारों तरफ से अच्छे से बंद कर देंगे। अब इसको बेल लेंगे। हमें इसे ज्यादा पतला नहीं हल्का मोटा ही बेलना है। अब हम एक फोक लेंगे और इसमें होल कर लेंगे। हमें इसमें दोनों तरफ से होल करने हैं। अगर हम एक ही तरफ से उसमें होल करेंगे तो मठरी फ्राई करते समय फूल जाएगी, इसलिए हम दोनों तरफ से होल करेंगे। हमने सारी मठरियां बेल ली है। हमने पहले ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। हमें तेल को हल्की गैस पे ही रखना है। अब हम इसमें मठरियां फ्राई कर लेंगे। हम इसको हल्की गैस पर ही रखेंगे और इसको अच्छे से लाल होने तक फ्राई होने देंगे। देखिए मठरियां अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसको निकाल लेंगे। बेसन मठरी बनकर तैयार है। हमने जो बेसन की फिलिंग बनाई थी, अगर वो बच जाती है तो आप इसके पराठे बना सकते हैं। बेसन मठरी को आप होली पर बनाकर एज अ स्नैक एंजॉय कर सकते हैं। ये चाय नाश्ते के साथ काफी अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।